हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ उसकी मैकेनिज्म, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, और हमने क्या देखा था, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज, ठीक है। आज का जो वीडियो हमारा है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही है। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, अब आता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, देन आफ्टर रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। और उसके बाद हम दो तीन जो एनसीईआरटी के बेस पर हैं हमारे पास डिसऑर्डर्स, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास आज का टॉपिक, पहला टॉपिक आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे पास दो ही गैसेस हैं और वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्सचेंज कैसे होते हैं, दो गैसेस दो साइट, एक साइट हमारे पास एल्वियोलाई जो लंग्स में है, यानी लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन वापस एब्जॉर्ब होगी किस में, ब्लड में, और CO2 रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट टिश्यू में क्या होता है, CO2 क्या होती है, वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होकर के, यानी हीमोग्लोबिन से जुड़ते, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो पहले देखते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के केस में क्या है हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट साइट हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है, और सेकंड साइट हमारे पास क्या है, टिश्यू। तो एल्वियोलाई में जो प्रोसेस है वो क्या होगी कि ऑक्सीजन, ठीक है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, सीधे ब्लड में, और CO2 रिलीज होगा कहाँ पर, एल्वियोलाई में, ठीक है। टिश्यू केस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ रिलीज होगा, टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू फ्लूड में, और जो CO2 है, CO2 कहाँ पर रिलीज होगी हमारे पास, वो आएगी ब्लड में, मतलब थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन है मेन। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो वो है हमारे पास पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर बोथ गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, P फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी PO2 और PCO2 के फॉर्म में, ठीक है। देखिए जो गैसेस का मूवमेंट है वो कहाँ पर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वो कहाँ पर मूव करेगा, कम पार्शियल प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग एल्वियोलाई में, ये एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई में हमारे पास यहाँ पर थ्री लेयर्स हैं। एक तो ये हमारा एल्वियोलाई का स्क्वैमस एपिथीलियम है, ठीक है, सेकंड हमारे पास बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और थर्ड जो आता हमारे पास ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या है, एंडोथीलियम, यानी इन तीनों को मिलाने के बाद भी जो इसकी वेट आती है वो कितनी आती है, 0.1 mm। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से यहाँ पर या यहाँ से यहाँ पर होना, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोलाई से कहाँ पर होना है, आरबीसीज में, ठीक है, ये हमारी आरबीसीज हैं, स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होना है, प्लाज्मा या फिर ब्लड से कहाँ जाना है, वो एल्वियोलाई में। इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में कितना है, एल्वियोलाई में होता है ये 104 mm पारा HG, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, यहाँ पर कितना होगा, 0.3%, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर में होती है, तो 0.3 इसका पार्शियल प्रेशर भी है mmHg। एटमॉस्फेरिक एयर की बात अगर हम लोग करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ये चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई, इसलिए आप इसको रट के रखिएगा, और ये एक बार नीट में पूछा भी गया है, मैचिंग के केस में आया हुआ है, ठीक है, वो कितना है, 159, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, तो उसमें कितना दिया है, 159 mmHg, ठीक है। और PCO2 जो दिया है, ये दिया हुआ है वहाँ पर 0.3 mmHg पर, नहीं है HG, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर जो एनसीईआरटी में दिया है। एल्वियोलाई के केस में हमने देखा यहाँ पर, ये तो क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर में, एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में इसका प्रेशर कितना है, PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104
फोर MMHg और PCO2 कितना है, ये वही सेम 0.3 MMHg। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना तेजी से डिफ्यूज होती है किसमें, ब्लड में, हीमोग्लोबिन के पास। अब आता है हमारे पास एल्वियोलाई केस में हुआ। तीसरा अगला जो पॉइंट आता है, जब ये एल्वियोलाई से कहाँ रहा है, ब्लड में, तो ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है। अब ब्लड में कौन से ब्लड में, यहाँ पर जो ब्लड हो रहा है, यहाँ पर जो ब्लड आया हुआ है, ये पहले क्या है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कम होगा, क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर डिफ्यूज हो चुका है, टिश्यू में। तो कितना होता है, 40 MMHg, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है, वो होता है 45 MMHg, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर मिला हमको, देखिए जो ब्लड टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, वेन्स में है। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो यहाँ से जो वेन जाएगी हमारे पास हार्ट में, कौन सी है, वो पल्मोनरी वेन है, वो कैसी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। तो उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा PO2, ये ज़्यादा होता है, और कितना होता है, 95 MMHg, ठीक है। इसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऐसा तो है नहीं जीरो हो जाएगी, लेकिन इसका कितना होगा, कम होगा। तो यहाँ कितना होता है हमारे पास, 40 MMHg, ठीक है। टिश्यू लास्ट में आता है हमारे पास टिश्यू, टिश्यू में इसका जो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऑक्सीजन का ये होता है हमारे पास टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा यहाँ पर, 95 MMHg, क्योंकि वही ब्लड लेकर जा रहा है। और पी टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, टिश्यू में सेल्स हैं, और सेल्स में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इसलिए इसमें कितना होगा, 40, ठीक है, ऑक्सीजन 40 MMHg होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है, 45 MMHg होती है, ठीक है, किसमें, टिश्यू के केस में। टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा टिश्यू, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करेगी, ब्लड से, ओ टिश्यू से ब्लड में, या फिर ब्लड से एल्वियोलाई में, ठीक है। और जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, वहाँ पर ऑक्सीजन मूव करेगा कहाँ से, जिस जगह पर ज़्यादा है, जैसे एल्वियोलाई में ज़्यादा, तो एल्वियोलाई से ब्लड में, अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड से टिश्यू में, ठीक है। ये तो पार्शियल प्रेशर की बात हुई, आगे आते हैं हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन, अगला पॉइंट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या क्या आएगा हमारे पास, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट गैस में, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड में किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा है, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, यानी रिवर्सिबल है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फैक्टर कौन कौन से आते हैं, देखिए पहला चीज़ तो सबसे पहली चीज़ है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये पहला फैक्टर हो गया हमारे पास। दूसरा फैक्टर क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, किसके साथ जुड़ने की, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले जुड़ता है, ठीक है, इसलिए कम होना चाहिए। तीसरा जो फैक्टर आता है हमारे पास H+ कंसंट्रेशन का, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, हमेशा लो होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास H+ कंसंट्रेशन है ये। एक और फैक्टर आता है फोर्थ, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात अगर हम लोग करते हैं तो टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर लो होना चाहिए, ठीक है, तो टेम्परेचर भी लो। इस केस में देखिए सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हाई होगा, बाकी सभी चीज़ें क्या हैं, लो, ठीक है। कौन कौन सी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, सॉरी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, और टेम्परेचर, ये कैसा होना चाहिए, लो होगा। ये क्वेश्चन इस बार
नीट में पूछा गया है, ठीक है, कि ऑक्सीजन यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा हाई होना चाहिए जो कि एल्वियोलाई में है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा एल्वियोलाई केस में। एच प्लस कंसनट्रेशन वहाँ पर लो होना चाहिए और टेम्परेचर भी वहाँ का लो होना चाहिए। इस केस में क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या होगी जल्दी से जुड़े, किससे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी चीज़ें क्या हैं, फेवरेबल हैं, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर हम देखें, ये कहाँ पर मिलती है हमको, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं एल्वियोलाई में। कहाँ पर मिलेंगी, एल्वियोलाई में। इसलिए एल्वियोलाई में क्या बनता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ टिश्यू के केस में ये सारी सिचुएशन अपोजिट होती है, ठीक है। तो टिश्यू में क्या हो रहा है, पहला हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये लो होगा। क्यों होगा लो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गया। क्यों कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, किसमें यूज़ हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का यूज़ होकर यानी क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा वहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो सेकेंड क्या है हमारे पास, PCO2 वहाँ पर इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास, वहाँ पर H+ कंसंट्रेशन जो होता है वो भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और फोर्थ आता है टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वहाँ पर कैसा होगा, लो होगा, तो हाई होगा, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, टिश्यूज़ में हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं किसके लिए हैं, टिश्यू में क्या बनाने के लिए, टिश्यू से क्या रिलीज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, और क्या बनाने के लिए, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए भी रिवर्सिबल है, जो यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, वहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ऑक्सीजन वापस एब्जॉर्ब होगी। तो ये तो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो चार हैं। एक हो गया पार्शियल प्रेशर गैसेस का यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा हो गया हमारे पास क्या, एच प्लस कंसनट्रेशन हो गया, और ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में अगली बात आती है हमारे पास कि ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कितना ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है तो 97% कितना, 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, ठीक है। किस फॉर्म में हो रही है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रही है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन, एक सिंगल हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कवर करता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कैप्चर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। आयरन मतलब क्या हुआ, फेरिक एसिड, वो भी Fe3, ठीक, Fe2+2, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कितने आयरन है इसमें, 4 आयरन है, तो 4 ऑक्सीजन ये बाइंड करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। सेकंड केस आता है जो 3 पॉइंट, तो हमारे पास सिर्फ 3% बचा ऑक्सीजन, ये किसके थ्रू जाता है, ये फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में प्लाज्मा में डिजॉल्व कंडीशन में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के फ्री कंडीशन में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के केस में। CO2 की बात अगर हम लोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, वो पहला आता है हमारे पास कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कितना परसेंट ये होता है हमारे पास टोटल, कितने परसेंट होता है, 20 से 25%, ठीक है। तो 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड केस आता है हमारे पास, मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, किसमें, प्लाज्मा में। कितना, 60 to 70%, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, यानी मैक्सिमम इसी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और तीसरा केस आता है हमारे पास 7% अकॉर्डिंग टू NCERT, नहीं तो किसी किसी बुक में 5 to 5% भी लिखा हुआ है, लेकिन NCERT में क्लियर दिया हुआ कि 7% जो फ्री CO2 है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व कंडीशन में मूव करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कितना ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
अब एक चीज और देखते हैं हम लोग यहां पर, 100 ml ऑफ ब्लड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्पेसिफिक दिया होता है 100 ml ऑफ ब्लड कितना CO2 ट्रांसपोर्ट करता है, 4 ml, ठीक है। और यही अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन कितना, 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ये करता है, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट तो करता है ये 20 ml, लेकिन डिलीवर कितना करता है, सिर्फ 5 ml, यानी 25% डिलीवर करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कितना करता है, 20 ml, कैसे देखो, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.33 ग्राम ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखें तो 15 जो ग्राम है हीमोग्लोबिन वो लगभग कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, नियर अबाउट 20 ग्राम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये 20 ग्राम ऑक्सीजन टोटल डिलीवर नहीं होती टिश्यू को, कितनी होती है, सिर्फ 25% डिलीवर होती है टिश्यू को, इसका मतलब कितना ट्रांसपोर्ट डिलीवर हो रही है, सिर्फ 5 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास जो हमारे पास क्रिटिकल या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसेंशियल ऑर्गन है, जैसे लंग, ये हमारा हार्ट हुआ या ब्रेन हुआ, वहाँ पर कितना 75% तक डिलीवर हो जाती है, यानी वहाँ पर 15 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है किसको, स्पेसिफिक टिश्यूज़ को, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एक इसके बाद, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किस फॉर्म में हो रही है। फिर आता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसमें क्या दिया, उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। इस साइड में दिया हुआ है हमारे पास क्या, सैचुरेशन, ये हो गया हमारे पास सैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो क्या सैचुरेशन हमारा कितना, 10, 20, 30 मिलाकर 100, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, कितने ml ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रही, तो 10, 20, 30 से लेकर के 100 तक, जो यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना ही दिया उसमें कि इसमें क्या मिलता है हमको, सिग्मॉइड कर्व मिलता है, और सिग्मॉइड मतलब क्या हुआ, एक एस शेप्ड का कर्व, ठीक है। यानी 100 पर जाकर पूरी तरह से ऑक्सीजन सैचुरेटेड हो चुकी है, ऑक्सीजन सैचुरेट होने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जितने, यानी हर हीमोग्लोबिन के पास उसके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेशन, ये जो कर्व मिल रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व का यूज़ किस में हो रहा है, सिग्मॉइड कर्व का यूज़ करते हैं हम लोग इसके फैक्टर की स्टडी करने में, फैक्टर का मतलब क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर की स्टडी करने में। ये क्या हमारे पास, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, यानी PO2 कितना 100 तक है, और ये हमारे पास क्या है, सैचुरेशन, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर 100 पर हमारे पास पूरी तरह से ऑक्सीजन सैचुरेट, हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो पूरी तरह से सैचुरेट, यानी ब्लड सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन केस में क्या है कि डिसोसिएशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ होती है हमारे पास कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो, दूसरा क्या आता है, H+ कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, और क्या आता है, टेम्परेचर हाई हो। अगर ये कंडीशन है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लो है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है, यानी अलग हो जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, और ये कंडीशन कहाँ मिलती है हमको, टिश्यू में, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। एक चीज़ और आता है कि CO2 के केस में, CO2 केस में क्या है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो लिविंग टिश्यू मिलता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका काम ये होता है कि ये CO2 को किससे जोड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल से, क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है, यानी CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, तो क्या बनाएगा ये, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, और फिर ये फिर किस में ब्रेक होता है, इसको ब्रेक करता है HCO3 में, और किस में ब्रेक करता है, प्लस H+ आयन में, ठीक है। इसी ये जो प्रोसेस हो रही है कहाँ पर हो रही है, एल्वियोलाई में, ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, ये होती है हमारे पास CO2 रिलीज हो रहा है, ये कहाँ पर होगी, टिश्यूज़ में, ठीक है, ये टिश्यू होगी, और एल्वियोलाई में क्या होगा, इसी का रिवर्स, यानी अगर हम इसको एरो को उल्टा कर दें इस तरह से, तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, एल्वियोलाई में,
यानी HCO3 प्लस HN H2CO3 में कन्वर्ट होता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O में, और CO2 रिलीज हो जाती है कहाँ पर, एल्वियोलाई में चली जाती है, ठीक है। और टिश्यू में क्या होता है कि टिश्यू में CO2 H2O के साथ जुड़ के क्या बनाती है एनहाइड्रेज, जो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन क्या है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट है, वो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का केस में क्या है कि हमारे ह्यूमन के केस में हमारे ब्रेन में दो पार्ट, एक है पॉन्स और दूसरा है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमो वर्ड मतलब होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में हमारे पास दो सेंटर हुआ। पहला सेंटर कहाँ मिला हमको, पॉन्स में, ठीक है। ये कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ये ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, यानी उसको ज़्यादा कर सकता है या फिर ब्रीथिंग के रेट को कम कर सकता है, मोस्टली कम करता है। और सेकंड होता है हमारा मेडुला है ब्रेन का पार्ट, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। सेंटर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो ब्रीथिंग है हमारे मेडुला में, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर है या ब्रीथिंग सेंटर है, यहां पर कुछ स्पेसिफिक कीमो RECEPTOR रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है, जो H+ आयन को और CO2 के कंसंट्रेशन को, CO2 के कंसंट्रेशन को क्या करती हैं, सेंस करती रहती हैं। अगर इनका कंसंट्रेशन हाई हुआ, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग सेंटर को, ठीक है, इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कहते हैं, रिदम सेंटर भी कहते हैं, तो रिदम सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज करेंगी, और रिदम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करता है, कुछ ना कुछ मतलब या तो वो ब्रीथिंग प्रोसेस को बढ़ा सकता है या फिर कम भी कर सकता है, ठीक है। हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये इनहिबिट करता है, यानी इनहिबिशन ऑफ ब्रीथिंग रेट, मोस्टली इनहिबिशन EBTION ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही चीज़ इस बार नीट में पूछी गई थी, ठीक है, कि इनहिबिशन ऑफ ब्रीथिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, ये क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है हमारे एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला में, ये मेन सेंटर है, एक्चुअल में वेंट्रल साइड में भी और डॉर्सल साइड में भी, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है, तो वेंट्रल साइड में और डॉर्सल साइड दोनों तरफ होता है। जो वेंट्रल साइड का हमारे पास है उसका काम मेनली क्या है, वो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों को रेगुलेट करेगा, और जो हमारे पास डॉर्सल साइड पर है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रेगुलेट करता है, इंस्पायरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। कीमो रिसेप्टर सेल्स हैं जो क्या करती हैं, कंसंट्रेशन को सेंस करती रहती हैं, किसके, H+ आयन और CO2 कंसंट्रेशन को सेंस करती रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज किसको करती हैं, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज करती हैं, जो इनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट को बढ़ाया घटा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, कहाँ कहाँ पर हो रहा है हमारे पास, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। कुछ चीज़ें आती हैं जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, वैसे डिसऑर्डर NCERT में सिर्फ 3 ही दिए गए हैं, वो दिए गए हैं अस्थमा, ठीक है, एम्फिस्मा, ठीक है, और पहला अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, अस्थमा का मतलब हो गया कि ब्रीथिंग रेट हमारा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सांस का तेज चलना, वो कई कारणों से हो सकती है, डिसऑर्डर आ सकता है। ओल्ड एज में भी क्या होता है, अस्थमा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैकिया है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आने लगते हैं, ठीक है, एल्वियोलाई का जो स्पेस है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो पाती हैं। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन को अवेलेबल करने के लिए ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसके केस में भी क्या होता है, उसके केस में भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन कम प्रोवाइड हो पा रहा है, तो ऑक्सीजन मेन क्या है हमारे पास कि ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है बढ़ जाएगा, वो अस्थमा तो नहीं है लेकिन ऐसी प्रोसेस है कि ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए क्या होता है, वहाँ पर हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है। सेकंड केस आता है हमारे पास एम्फिस्मा, ठीक है, जो एम्फिस्मा है,
एम्फिसमा, एम्फिसमा क्या है कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें क्या होता है कि एल्वियोलाई का जो स्क्वैमस एपिथीलियम है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, और उस केस में क्या होगा वहाँ पर, क्योंकि स्मोक तो जाता है हमारे पास कहाँ पर, एल्वियोलाई में जाता है, तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा, म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, जिससे वहाँ पर जो कैविटी है वो कम होने लगती है। अगर वो कैविटी कम हुई हमारे पास तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि गैस कम होगी, ऐसे में क्या होगा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके केस में हुआ, सिगरेट स्मोकिंग के केस में हुआ, या फिर हम ऐसे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर धूल या डस्ट ज़्यादा पर हो। तीसरा जो उन्होंने दिया वो ऑक्यूपेशनल करके दे दिया, तो ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या हुआ कि हमारे हम काम कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल हमारा क्या है, अगर मान लो हम डस्ट में हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा डस्ट है, जैसे हम लोग सीमेंट की फैक्ट्री में गए, या फिर हो सकता है ग्राइंडिंग मिल में है, ठीक है, जहाँ पर आटा ज़्यादा पीसा ज़्यादा है, या फिर हम लोग किसी हैंडलूम वगैरह में हैं जहाँ पर फाइबर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना हम डस्ट ले रहे हैं उतनी डस्ट हमारी जो स्क्वैमस एपिथेलियम, वहाँ पर जो WBC है, डस्ट सेल्स हैं मेनली, तो डस्ट सेल उतना डस्ट कॉप नहीं कर पाती मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उससे ज़्यादा डस्ट बनता रहता है। ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास जो एल्वियोलाई में है यहाँ पर फाइब्रोसिस होने लगता है, यानी प्रोलीफरेशन, किसका प्रोलीफरेशन होगा यहाँ पर हमारे इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पर क्या होगा फाइबर्स होने लगते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर ये स्पेस कम हो जाएगा, इसमें हार्डनेस आ जाएगी, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी अस्थमा, तो ये क्या है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। ठीक है, तीन दो दिया है हमारे पास किसके केस में, NCERT में दिया है, पूरा चैप्टर हमारे पास खत्म होता है। कुछ चीज़ें और भी है, मान लीजिए जैसे आ गया एनॉक्सिया, क्या है एना मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, तो एनॉक्सिया हमने कह दिया इसको। ठीक है, हाइपरऑक्सिया क्या हुआ, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो हाइपर ऑक्सीजन, हाइपोऑक्सिया क्या है, हाइपो मतलब होता है कम, ऑक्सीजन कम हो रही है टिश्यूज़ में या ब्लड में तो हाइपोऑक्सिया कह देते हैं। ठीक है, डिस्पनोइया क्या है, डिस्पनोइया मतलब हुआ पेनफुल ब्रीथिंग, इसको मैंने आपको उस समय बताया था जब हम पढ़ रहे थे क्या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स, जिसमें प्लूरिसी, ठीक है, प्लूरल कैविटी में इन्फेक्शन हुआ तो क्या हुआ प्लूरिसी हुई, जिसकी वजह से ब्रीथिंग पेनफुल होती है, उसको कहते हैं हम लोग डिस्पनोइया कहते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो डिसऑर्डर है हमारे किससे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ये ख़त्म होता है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।